एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ और सब लोग मस्त होंगे। तो दोपहर का टाइम हो रहा है और हम दोपहर से अपना ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो आज है 1 मई और आज हमारे बच्चों की तो छुट्टी नहीं थी, बच्चे स्कूल गए थे, तो इनके पापा की छुट्टी थी, वो घर पर ही थे आज। तो बस आज हुआ क्या, बच्चे तो स्कूल गए थे सुबह, लेकिन इनकी आज जल्दी छुट्टी हो गई है। तो सुबह मतलब प्रियांशु का मैसेज आ गया था, 11 बजे से पहले ही आ गया था, लेकिन मैं देख नहीं पाई, मैं काम के चक्कर में मैंने कोई मैसेज नहीं देखा था। उसके बाद जो है फिर मैंने 11:30 बजे मैसेज देखा, तो उसको आधा घंटे पहले का मैसेज वो हो चुका था, तो मैं आधा घंटा लेट गई थी इसको लेने, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई है। अचानक में ये छुट्टियाँ हुई हैं हमारे यहाँ की बच्चों की, तो स्कूल में शायद कुछ गड़बड़ हो गई है सभी स्कूलों में, तो सारे स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है अचानक में ही। तो इसी वजह से प्रियांशु को तो मैं ले आई हूँ, लेकिन वर्षा की छुट्टी उसका मैसेज थोड़ा लेट आया है, 12:30 बजे छुट्टी उसकी होगी, तो होगी क्या, 12:30 तो बज चुके हैं, लेकिन वर्षा भी आ चुकी है। सर सुन रहे थे क्या? सुन रहे थे सर? लेकिन सर तो बोले ही नहीं, वर्षा बोल गई थी। तो वर्षा भी आ चुकी है, वर्षा की छुट्टी भी हो गई है आज तो। नहीं बेटा ऐसे मत बोल। बेचारे सुबह गए भी जल्दी जल्दी में, तुम्हारा तो फायदा हो गया, हाफ डे हो गया एक तरह से देखा जाए तो, है ना? मेरे साथ साथ तुम्हारी छुट्टी। और तेरे पागल तो तू लेगी थी ना? मैं बना रही हूँ खाना अभी। क्यों? खाने में क्या खाओगे बच्चों? वर्षा खाने में क्या खाएगी? मैं तो कुछ नहीं खा रहा। कुछ नहीं खा रही अभी? मन सही नहीं है? तभी सही नहीं अभी? अभी मन नहीं कर रहा। उल्टी तो नहीं हुई वैसे अभी? दवाई लेके आए फिर? नहीं सही हो जाएगी जी। मैंने सोचा चलो देखती हूँ किसके मैसेज आ रहे हैं बार बार, फिर मैं ओपन करके देखने लगी। वो भी इसका ग्रुप में ओपन करने वाली नहीं थी, वो तो अचानक मैं कर ही बैठी मैं ओपन, मैंने कहा चलो देखती हूँ किसका मैसेज है, और देखा था वो छुट्टी का मैसेज पड़ा। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई, आधा घंटा तो मैं लेट हो गई वैसे ही मैसेज देखने में, फिर मैं जल्दी जल्दी भागी। अच्छा न्यूज़ में दिखा दिया? चलो मैं खाना बनाती हूँ, बोला हूँ मैंगो शेक लो वर्षा, मैंगो शेक एक तो खाने पीने को पूछ रही हूँ, ऊपर से कह रही बैठ जान दो, ठंडा ठंडा लाऊंगी। और मैंने रख दिया इधर दाल उबलने के लिए, दाल चावल बना रही हूँ दोपहर के खाने में। दोनों बच्चे आ गए हैं स्कूल से, मैं बनाती हूँ खाना फटाफट, दाल चावल बना रही हूँ खाने में। तो यहाँ पे हमारी दाल वाला मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो ये जो मैंने दाल उबाल के रखी थी पहले ही उसको मैंने डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो ये मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके डाल दूँगी मैं, ज़्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा डाला था। तो बस इसको तो मैं ढक देती हूँ, और ये दूसरी साइड पर मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं। अब जो भी ये गैस थोड़ी सी गंदी हुई है, दाल वगैरह डाली है ना तो छींटे आ जाती हैं, तो बस इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो अगर सूख जाए तो फिर दिक्कत कर देती हैं, फिर ये जल्दी साफ़ नहीं हो पाता है, रगड़ना पड़ता है काफ़ी। और ये थोड़ा सा सुबह का आटा था जिसको मैंने उठा कर रख दिया है, क्योंकि इस टाइम तो चावल बना है तो रोटी कोई भी नहीं खाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है बर्तन साफ़ कर लिए हैं, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा खाना बनके तैयार है। चावल दाल, ये है गोभी की सब्ज़ी, और खीरे और प्याज की सलाद है। तो बस अब मैं इनको दे देती हूँ खाने के लिए। चलो खाओ खाना, खा ले बेटा। तो खाना हमने खा लिया है, और ये आधार कार्ड देख रहे थे कि देखो कैसे कैसे फ़ोटो आए हैं, तो इसमें बिल्कुल काले काले फ़ोटो दे रखे हैं आधार कार्ड में, जो हमने अभी सही कराए हैं ना,
उस वालों को देख रहे थे हम अभी, लेकिन क्लियर मेरी भी नहीं थी। तेरे बाबा की फोटो अच्छी आई, अंकल की फोटो अच्छी आई, बस अंकल की फोटो तो अच्छी आई, बाकी किसी की सब की बेकार आई है। बता दे बेटा, समोसा मंगवा दूँ फिर? क्या खाना? चटपटा तो समोसा ही है ना, और क्या खाना बता? ला दो समोसे, ला दो इसे। पहले नहीं आता था कि पहले ऐसा आता था? अभी प्रियांशु के कहने पे आ गए हैं समोसे। तो प्रियांशु ना बहुत देर से जिद कर रहा था कि मम्मी चटपटा खाने का मन कर रहा है। वैसे तो उसने खाना खाया तो थोड़ी देर पहले, लेकिन ना बच्चे हैं तो भूख लगने ही लगती है। तो बस फिर से उसको लगने लगी थी भूख और बोल रहा है कि कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है मम्मी। तो मैंने यहाँ पर चाय बना दी है, उसके लिए समोसे मंगवा दिए हैं। तो यहाँ पर प्लेट लगा रही हूँ मैं, और चाय मेरी बन गई है तो चाय भी छान लेती हूँ और फिर इनको दे देती हूँ खाने के लिए। और साथ साथ आप लोग भी आ जाइए। मेरा नाम है मिसेस कॉफी। मैं मेरे ऊपर लिखा जाता है। मैं कॉफी दिख रही हूँ? मिसेस कॉफी। मिसेस कॉफी, एक न्यू नेम। मिसेस रजिस्टर। इसको बड़ी ठंड लगती है, बड़ी ठंड लगती है। हर समय ऐसे ओढ़ के रखती चद्दर को। आज आपको बजा इतनी देर कंबल ओढ़ के बैठी थी। शायद एक आध बार ऐसे छुट्टी के लिए लेट हो गई हूँ मैं। छुट्टी में लेट हो गई हूँ कभी। और तो आपकी होती ना, आप लेट हो गई। जैसा अचानक मैं कोई कभी छुट्टी हो जाती हूँ। नहीं, एक बार जब पेपर हुआ था, पेपर हुआ टाइम पे छुट्टी हो गई थी। पहले मुझे ध्यान नहीं, मैं सोची कि 2:30 बजे छुट्टी होगी उस टाइम पे। कोई तो है जो मुझे देख रहा है। नहीं तो उन्होंने बैल बजाई इसलिए तो वो खड़े थे। चले गए दादी। आपको पता है दीदी जब फर्स्ट टाइम कल भी आए थे, मम्मी ने ना आए थे लेट से पेपर देना। हाँ। बोल रही वहाँ क्या था वो? राम कथा। राम कथा है, पेपर दे के गई वहाँ आकाश हॉस्पिटल के सामने। बोले थोड़ा बहुत दान वान देना चाहती हो तो दे दो। सो आई, एक बार दीदी के साथ इंसिडेंट हुआ था कि दीदी छोटी क्लास में थी। दीदी ना मम्मी दीदी का काजल लगाती थी। फिर दीदी इतना रोई कि दीदी काजल नहीं, फर्स्ट डे रही थी, फर्स्ट डे गई थी, पहले दिन स्कूल गई थी है ना, काजल लगाया था मम्मी ने, सारा काजल फैल गया। बहुत छोटी थी, 3 साल की थी उस टाइम। 3 साल की, झूठ बोले मुँह काला। 3 साल की हुई थी तो मैं काजल लगाती थी, खूब मोटा मोटा काजल लगाती थी पहले जब छोटी थी। और जब पहले दिन गई थी स्कूल, ये और ये पूरे टाइम रोती रही, मम्मी के पास जाना, मम्मा के पास जाना, मैंने मेरा करा कुछ ऐसा? अरे तेरे साथ तो मैं थी ना। हाँ, तेरे साथ दीदी थी ना, इसलिए तू रोया नहीं है। मैं तेरे साथ लंच करती थी, तेरे को बुला के लाती थी लंच। हाँ, हम खेलते थे ना। 11 पता नहीं 12 बजे स्कूल से ले गए थे, लेकिन इसने पूरा मुंह यहाँ तक पूरा मुंह काला कर लिया था, रो रो के। मम्मा के पास जाना, जब मैं स्कूल में गई तो मैम बोली ये तो इसने सुबह से परेशान कर दिया, मम्मा के पास जाना, मम्मा के पास जाना। पूजा मैम थी? पूजा मैम नहीं, रश्मि मैम थी। रश्मि मैम थी, रश्मि सबसे फर्स्ट जब थी, रश्मि मैम ने पढ़ाया था। सेकंड तक भी उन्होंने ही पढ़ाया था। हाँ। अरे मम्मी आपको याद है, कल आपको पता है, नहीं पता भी नहीं होगा, जब मैं सेकंड क्लास में थी मैंने मम्मी को बोला था उसको चाहिए ले ले, बहुत ज़्यादा ठंडा बेटा, गर्म हो जाएगा। हाँ, मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी छुट्टी है नहीं जाना, मम्मी ने सुनी ही नहीं मेरी बात, अगले दिन भेज दिया मुझे। और बताओ, पापा मेरे को स्कूल छोड़ के आ गए। फिर वहाँ एक मैम थी सुषमा मैम, उन्होंने बोला बेटा आज तो छुट्टी है। फिर मेरे एक फ्रेंड थी वहाँ पे जिया, मैं उसके साथ जा रही थी, फिर मैं उधर से आई, वो भी आधे रास्ते थी, फिर वो अपने घर की तरफ चली गई। उसके बाद मेरे को आधे रास्ते अकेला आना पड़ा, सेकंड क्लास की बच्ची, मेन रोड पे था हमारा घर। देखो प्रियांशु ले गया मेरे लिए मैंगो से, वर्षा ने मन नहीं पता। वर्षा की 2 दिन से तबीयत खराब है, इसको उल्टी वगैरह आ रही है और थोड़ा फीवर भी है, इसी वजह से खाने पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता वर्षा का। क्या रे, लड़ाई करने लग गए बस। चंगे
ठंडा था कैसा था? दूसरा ले ले बेटा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का हम यहीं पर एंड कर लेते हैं। शाम हो गई है, शाम के 7:30 बज गए हैं और सुबह से ये ब्लॉग चल रहा है हमारा। थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में रिकॉर्ड करती रही हूँ और आप लोगों से यहाँ पर विदा लेती हूँ। अगर आज की वीडियो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, जो भी चैनल पर न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे हम अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय सभी को। चल बाय बाय कर दो। बाय बाय।